क्या विधानसभा के अंतर्गत आज हम लोग घोड़ासहन के जमुनिया पंचायत में पिठुआ मठ टोला में, और ये जो पुल आप देख रहे हैं ये पुल आज से 6 साल पहले बना और आज तक ये पुल कंप्लीट नहीं हुआ। आज भी चचरी लगा हुआ है, अभी एक माँ यहाँ से गई है। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा बताइए कि कब पुल बना था। सर ये पुल पूरा कहाँ ना बना हरिजन सड़कवा से हमने अली है, पूरा कादो लागल बा पूरा सड़क में जाल रुआ आगे गांव में। हाँ वो पुल पर, वो पुल तो चचरिए बा, लेकिन हे रोड के कहियो नापी उपी भेल हा? नापी भेल बा कोई पास भेल बा जहां बनल जाता पास हो गेल। आज ले हमरा के इतना बतावल जाओ कि आज ले कोनो अधिकारी कोनो आल भाई यहाँ आधे अधूरे पुल और आधे आधे अधूरा विकास ढाका देख लीजिए। ये मैं नहीं है, प्रत्यक्ष यहाँ पर सबूत है। ये बता रहा है, ये दर्शा रहा है कि किस नियति और नियत के जनप्रतिनिधि लोग हैं यहाँ के। देखिए ये ढाका विधानसभा की खूबसूरती दिखा रहे हैं हम आज आपको। ये ढाका विधानसभा के अंतर्गत घोड़ासहन प्रखंड के अंदर ये जो है पिछुआ गाँव है, और देखिए ये कैसा स्थिति है यहाँ का। यहाँ चलने के लिए पैर में पहनने वाला चप्पल हाथ में लेना पड़ता है, ये स्थिति है यहाँ की। ये विकास है, ये 16 साल के नीतीश कुमार का विकास दिख रहा है। यहीं पे यहाँ से थोड़ा दूर आगे जाएंगे हम लोग, थोड़ी दूर आगे जाएंगे तो जो ट्रैक्टर वाला जो वीडियो चला था वहीं हम लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और स्थिति देख लीजिए सड़कों की। कावल जाओ लोग का नाम पर अपने के जी सुखारी माता ये रोड के का हाल बा, रोड के हाल बतावल जाओ। देखो ना हम हाल बा के रोड देखिए ले अपने देख ले हम के ना। पर आज ले कोनो जन प्रतिनिधि ए पर ना आयल बा, माने कार्तिक से लेके या यति खान ले बैसाख वाले दू बेर न अपलक फीता से नपा गेल बा। हां अपनी ना हाई पुल के कोन पुल हाई उ पौन जे सोल बनाले बा, लेकिन उ बांस लागल बा। दिखाई उधर दिखाई जरा कहां बांस लागल, जूम करके दिखाई। ओलंग जा उहो में है। हां जाई तू बड़ी जाई तेरी चल जा अपन कहिया। आ एलंग जे बा इहे बियाहवा में जे बा ट्रैक्टरवा से एम आगे रहे ना आगे पुल पर से हाँ, पुल पर में है। तो ये रउआ लोग नहीं जौना के वोट जे जीतल है ओकरा के रउआ लोग नहीं ना कुछ कहे कि हाँ हो भाई हो तो जीत जे जीत अपना घर पे लंग होते तो पांच गो बात कहते है ओकरा घर जगह कहते तो मन थाय तो जीतला के बाद ना होले ना तो भरोसा बा घर अब हम कैसे कहू अब उनु जानस जे करियन कि ना करियन। हां अब करे मन हाई 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 जे पुल बा हाई तो 5 साल 6 साल पहले बना रहे जे उहे विधायक रह हां हां उहे बनाइले बड़ा ना उहे बनल बा। हां उहे बनाइले बड़ा ना। अच्छा तो पुल तो पूरा नहीं के बनल ना, पंखे उनकी बनाई के बा भाई। हां तो वैसा ना रोडो बनई है का जीत गेलन त उतना बना देलन, हार गेलन दूसर का फिर स्थिति है ढाका विधानसभा की। और हम लोग जन अधिकार पार्टी से हैं और हम लोगों ने कई बार दिखाने की और बताने की कोशिश किया है प्रशासन को भी और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी कि क्या स्थिति है। देखिए मेरी स्थिति को देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ आने के लिए आपको अपना चप्पल हाथ में लेना पड़ रहा है, ये स्थिति है यहाँ पर। और ये सिर्फ जमुनिया पंचायत की नहीं, ये स्थिति जो है 37 पंचायत का ये ढाका विधानसभा है, करीबन सारे पंचायतों में यही स्थिति है। अगर हम लोग लाइव करके दिखाने की कोशिश करें तो यहाँ नेटवर्क का थोड़ा इशू है, तो हम इसको लाइव करके आप लोग को दिखा देते। और आगे अभी यहाँ पर ही बगल में ही वो पुल है जो मेरे एक साथी ने भी वीडियो में बताने की कोशिश की है। यह वही पुल के पास हम लोग अभी मौजूद है जहाँ का वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह घोड़ासहन प्रखंड के पिठुआ ग्राम का है जहाँ एक दुल्हन को ट्रैक्टर से लाया जा रहा था। हम लोग वास्तविक स्थिति देखे हैं तो लग रहा है कि
यहाँ पैदल चलना भी दुर्लभ है। जहाँ से ट्रैक्टर पे जो नए शादीशुदा जोड़ा को लाया गया, स्थिति यह है कि यहाँ मोटरसाइकिल या चार चक्का का कोई भी आवागमन नहीं हो सकता है। एक ट्रैक्टर ही एकमात्र सहारा है, क्योंकि यहाँ सारी सड़कें कच्ची हैं। यहाँ कई दफ़ा नापी हो चुकी है, लेकिन काम अभी तक शुरुआत नहीं हुआ है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये पुल है, जो 6 साल पहले बनना शुरू हुआ और आज तक ये कंप्लीट नहीं हो पाया। तो मेरी विनती है अधिकारियों से, प्रदेश के मुख्यमंत्री से कम वो अब तो जागें और ढाका विधानसभा के रोडों को दुरुस्त किया जाए, सड़कों को दुरुस्त किया जाए, और जो पैसे आ रहे हैं उनका सही उपयोग हो। कागज में जो अभी तक उपयोग हो रहा है उसी का विरोध जन अधिकार पार्टी कर रही है, और अगर इसके ऊपर अमल नहीं होता है तो जन अधिकार पार्टी एक संयुक्त आंदोलन करने के लिए बात